Hello students, welcome to Paramem class. Today we are going to study next topic of quantum mechanics, that is Einstein photoelectric equation. Previous topic में हमने photoelectric effect के बारे में पढ़ा. जब हम किसी भी metal surface के ऊपर light fall कराते हैं तो electrons eject out होते हैं, that is photoelectric effect जो Hertz ने दिया था. अब हम पढ़ रहे हैं इसकी equation के बारे में जो किसने दी है, Einstein ने. और Einstein ने इस equation को 1905 में दिया था. और जब ये equation उसने drive की तो उसने Planck quantum theory का यहाँ पे use किया. अब देखो कैसे इसने explain किया. यहाँ पे उसने एक metal surface लिया, ठीक है, और हमें पता है कि एक मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और वो अपनी मर्जी से घूमते हैं जहां उनका मन करता है. लेकिन जैसे ही इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है तो वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. तो यहां से लाइट फॉल कराई, ये जो है वो क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल हुई. जब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल हो रही है तो इसे एनर्जी मिलेगी, और जब एनर्जी मिलेगी तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा. और जैसे ही इसे एनर्जी मिली तो ये मेटल सरफेस से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है. ये यहां पे फिनोमेना अप्लाई होगा. यहां हमने एनर्जी दी, जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं वो एच न्यू की फॉर्म में है. यहां से यहां तक उसने जो काम किया, दैट इज वर्क फंक्शन, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, फाई नॉट. और जब वो मूव कर रहा है बाहर तो वो मोशन की फॉर्म में, और जो मोशन में एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर. वर्क फंक्शन को W से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है. तो दोनों ही डिनोटेशन आपको मिलेंगी जिस बुक को भी आप प्रेफर कर रहे हो. देखो अब इसको किस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे. ये हमने दी है एनर्जी इक्वल्स टू किसके आएगी, इन दोनों का सम, वर्क डन प्लस काइनेटिक एनर्जी. अब एनर्जी क्या थी यहाँ पे, एच न्यू, और वर्क डन जो है हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एच न्यू नॉट, ये वर्क डन होगा, ठीक है. और काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, हाफ एम बी स्क्वायर, ये आ जाएगी. अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इनमें से कॉमन निकल रहा है, इसको इधर लेके आएंगे. जब हम इसको इधर लेके आ रहे हैं तो देखो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ पे एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. अब यहां से कॉमन निकल रहा है एच, और H किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लैंक कांस्टेंट को. तो हमारे पास ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी. इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है. ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी. अब देखो न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है. फ्रीक्वेंसी को हम किस फॉर्म के अंदर लिखते हैं, सी बाय लैम्डा, यहाँ आ जाएगा सी बाय लैम्डा नॉट. तो इसको आप आगे इस तरीके से भी खोल के लिख सकते हो. तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है. अब इस इक्वेशन से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो इंटेंसिटी है इंसिडेंट लाइट की, अगर वो डबल कर दी जाए तो जो नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स है वो भी क्या होंगे, डबल हो जाएंगे, ठीक है. फोटो इलेक्ट्रॉन जो इमिट आउट हो रहे हैं वो भी क्या होगा, डबल होगा. लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्टिल किस फॉर्म के अंदर रहेगी, एच न्यू माइनस डब्ल्यू, इस फॉर्म के अंदर रहेगी. और ये किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के ऊपर एंड वर्क फंक्शन के ऊपर, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी. नेक्स्ट क्या ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है तो जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट की वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेनियस फिनोमिना होता है. यहाँ पे इंटरेक्शन होता है बिटवीन इंसिडेंट फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जब हम उसके ऊपर लाइट फॉल कराते हैं. तो एक्सपेरिमेंटली हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो फोटोइलेक्ट्रिक फिनोमिना है वो आइंस्टाइन थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. आपको बताना है कि आइंस्टाइन ने फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन कौन सी थ्योरी को यूज करके दी. अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.